लवणता समाचार में आपका स्वागत है। निदेशक की कलम से भाकरी अनूप केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान देश में लवण प्रभावित मृदा के पूर्वानुमान, जोखिम मूल्यांकन, रोकथाम और प्रबंधन के लिए अनुसंधान रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों के विकास पर अनुसंधान करता है। ICRCSSRI द्वारा विकसित जिप्सम प्रौद्योगिकी लवण सहिष्णु फसल किस्में और उपसतह जल निकासी तकनीक ने लवण प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लवणता समाचार के इस अंक में प्रस्तुत मुख्य अनुसंधान एवं प्रसार उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं। PDL-1 और PSL-9 नमक सहिष्णु और उच्च उपज देने वाली मसूर की किस्मों का विकास, लवणग्रस्त मृदाओं के प्रबंध एवं लवणीय जल का कृषि में उपयोग, HELO-CRD फसल अवशेषों के तेजी से अपघटन के लिए एक तरल जैव फॉर्मुलेशन, बूंद बूंद सिंचाई रेस्ड बेड और पलवार के माध्यम से सतत फसल उत्पादन के लिए बेहतर लवणता प्रबंधन एवं CSR ग्रो शोर कृषि बागवानी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक जैव पदार्थ। मसूर की लवण सहिष्णु उन्नत किस्मों का विकास। मसूर की दो उन्नत लवण सहिष्णु किस्में PDL-1 और PSL-9 को भाकरी अनूप केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल एवं भाकरी कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के सहयोग से पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिमी मैदानी अक्षेत्र की मध्यम लवण ग्रस्त मृदा एवं जल के लिए विकसित किया गया है। मसूर की लवण सहिष्णु किस्म PDL-1 के पौधे की ऊंचाई 30 से 32 सेंटीमीटर होती है तथा यह किस्म प्रोटीन, आयरन और जिंक जैसे गुणों में श्रेष्ठ है। लवणग्रस्त मृदा में इसकी उपज 11 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि सामान्य मृदा में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मसूर की लवण सहिष्णु किस्म PSL-9 की उपज लवण प्रभावित मृदा में 11 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और सामान्य मृदा में 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में सिंचाई हेतु भूजल की गुणवत्ता का मानचित्र। परियोजना के इंदौर केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश में सिंचाई के उद्देश्य से भूजल गुणवत्ता का एक नया मानचित्र तैयार किया गया। इस मानचित्र को बनाने हेतु EC, PH, SAR पर आधारित लवणीय तथा क्षारीय जल की श्रेणियों का प्रयोग किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मैदान, छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी अक्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी, सतपुड़ा के पठार और झगुआ की पहाड़ियों के कृषि क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाला जल पाया गया। गिरड और बुंदेलखंड, मालवा के पठार में लवणीय और क्षारीय प्रकृति का भूजल पाया गया। HELO-CRD फसल अवशेषों के तेजी से अपघटन के लिए एक तरल जैव फॉर्मुलेशन। भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में फसल की कटाई के बाद भारी मात्रा में धान के टूट एवं भूसे को विघटन के लिए छोड़ दिया जाता है और इसमें से अधिकांश खेत में अनुपयोगी रहता है। किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे आम प्रथा अवशेषों को जला देना है। हमारे संस्थान ने फसल अवशेषों के तेजी से अपघटन के लिए कुशल जीवाणुओं की पहचान करने का प्रयास किया है। मट्टे के साथ विघटनकारी बैक्टीरिया के कंसोर्शिया के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ठूंठ के प्रारंभिक वजन की तुलना में ठूंठ के वजन में 46.7% की कमी आई है। उपभेदों के बीच मट्टे के साथ CDM-2 ने 35 दिनों बाद कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को 58.6% तक कम कर दिया। फसल अवशेषों के लिए डीकम्पोजर के रूप में जैव फॉर्मुलेशन HELO-CRD के रूप में उपयुक्त मानकीकृत मीडिया में हेलोफिलिक लिग्नोसेल्युलोटिक जीवाणु के साथ पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले दो कुशल बैक्टीरिया का कंसोर्शिया तैयार किया गया। बूंद बूंद सिंचाई, रेस्ट बेड और पलवार के माध्यम से सतत फसल उत्पादन के लिए बेहतर लवणता प्रबंधन। बूंद बूंद सिंचाई, रेस्ट बेड एवं पलवार द्वारा लवणीय जल के प्रबंधन एवं सतत फसल उत्पादन के लिए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के नैन प्रायोगिक क्षेत्र पर एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य लवणों को रेस्ट बेड की बाहरी सतह की ओर धकेलकर और पलवार के माध्यम से जड़ क्षेत्र में नमी बनाए रखकर जड़ क्षेत्र को लवण मुक्त बनाए रखना था। सभी लवणीय जल स्तर का औसत देखने पर मुख्य प्लॉट के रेस्ट बेड में
बाजरे का उत्पादन फ्लैट बेड के लगभग बराबर हुआ। इसी प्रकार रेस्ट बेड एवं फ्लैट बेड का औसत उत्पादन सबसे ज्यादा 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर के सबसे अच्छे उपलब्ध जल उपचार में हुआ और इसके बाद 6 डेसीसाइमन प्रति मीटर, 9 डेसीसाइमन प्रति मीटर एवं सबसे कम उत्पादन 12 डेसीसाइमन प्रति मीटर उपचार में हुआ। CSR ग्रोशोर कृषि बागवानी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक जैव पदार्थ। CSR ग्रोशोर नामक जैव पदार्थ का प्रयोग लवण प्रभावित क्षेत्रों में बागवानी की फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। CSR ग्रोशोर एक विशेष प्रकार के लवण सहिष्णु जीवाणुओं द्वारा निर्मित CSR M16, CSR A11, CSR A16 जैव पदार्थ विकसित किया गया है। परीक्षण में पाया गया कि पहले से प्राप्त CSR बायो के परिणाम की अपेक्षा वर्तमान में CSR ग्रोशोर अधिक प्रभावकारी है। CSR M16, CSR A11 और CSR A16 के जीवाणुओं से निर्मित कंसोर्शिया द्वारा CSR ग्रोशोर जैव पदार्थ का सोडिक मिट्टी में pH 9.2 पर केले की खेती में सफलतापूर्वक परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा CSSRI करनाल में भी इसका मूल्यांकन DSR धान की फसल में किया गया और इससे धान की फसल में उत्पादकता के साथ 25% नाइट्रोजन की आपूर्ति भी हुई। काली मृदाओं की लवणीय परिस्थितियों में गेहूं की फसल की जल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ड्रिप सिंचाई द्वारा जल का संयोजित उपयोग। गुजरात की काली मृदाओं के क्षेत्र में मीठे पानी की आपूर्ति की कमी और मिट्टी की लवणता में बढ़त के मुद्दों को संबोधित करने के लिए गेहूं में नहर के पानी और खारे भूजल के चक्रीय संयोजन पर एक अध्ययन किया गया। इसके अलावा जल उत्पादकता बढ़ाने और प्रभावी फसल जड़ क्षेत्र के भीतर मिट्टी की बढ़ती लवणता में बढ़त को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई को भी अपनाया गया। संयोजित जल उपयोग में 50% कुल सिंचाई पानी को खारे भूजल के साथ बदलने के बावजूद अनाज उपज सांख्यिकीय रूप से पारंपरिक सीमांत सिंचाई के बराबर ही पाई गई। मीठे पानी के साथ 50% से अधिक खारे भूजल का संयोजन करने पर गेहूं की उपज में भारी कमी देखी गई। मृदा लवणता में उच्चतम बढ़त 5.75 डेसीसाइमन प्रति मीटर उपचार में देखी गई, जबकि मृदा लवणता में बढ़त 3.1 डेसीसाइमन प्रति मीटर तथा 2.7 डेसीसाइमन प्रति मीटर उपचारों में लगभग समान थी। अगर जल उत्पादकता को देखा जाए तो ड्रिप सिंचाई में पारंपरिक सीमांत सिंचाई पद्धति की अपेक्षा स्पष्ट रूप से अधिक लाभ देखा गया। अतः इस अध्ययन से यह परिणाम ज्ञात होता है कि ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल का संयोजित उपयोग कर गेहूं की उपज में गिरावट आए बिना अन्य कई प्रकार के लाभ जैसे जल उत्पादकता में वृद्धि, बहुमूल्य मीठे जल संसाधनों की बचत और मिट्टी के प्रोफाइल में लवणता स्तर की कमी प्राप्त की जा सकती है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए किसान प्रशिक्षण संस्थान के अक्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के सहयोग से 24 फरवरी 2021 को एक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि डॉ. डी के शर्मा, पूर्व निदेशक CSSRI करनाल की उपस्थिति में कौशल विकास और उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में डॉ. राणा प्रताप सिंह डीन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ विशिष्ट अतिथि थे। इस प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक राज्य के 10 किसानों ने भाग लिया, जिसमें महिला किसानों की भागीदारी सराहनीय रही। डॉ. डी के शर्मा ने किसानों के साथ अपने लंबे अनुभव साझा किए और उद्यमी होने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। सभी किसानों को सिवरी अनुसंधान क्षेत्र में ऊसर भूमि सुधार प्रायोगिक स्थल का दौरा करवाया गया। चंदन लवणीय मृदा के लिए एक संभावित बहुमूल्य वृक्ष की प्रजाति। चंदन एक सदाबहार अर्ध परजीवी पौधा है जो कि हस्टोरियम के माध्यम से मेजबान वृक्ष की जड़ के साथ जुड़कर जल और पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करता है।
यह उच्च कीमत वाले सुगंधित तेल का एक मूल्यवान साधन है जिसका विभिन्न औषधीय उत्पादों को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है। हाल में नीति आयोग ने भी कृषि भूमि पर चंदन की खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी है। हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि चंदन की वृद्धि नियंत्रित और लवणीय दोनों स्थितियों में मेजबान प्रजातियों के साथ भिन्न होती है, और लवणीय परिस्थितियों में भी चंदन में अच्छी वृद्धि की क्षमता है। हालांकि अब तक प्राप्त परिणामों के आधार पर चंदन को उसके उपयुक्त मेजबान पौधे के साथ मध्यम ईसी 9 तक सफलता से उगाया जा सकता है। त्रेपनवा स्थापना दिवस समारोह। सीएसएसआरआई ने 3 मार्च 2021 को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह का उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर चिंदी वासुदेवप्पा, कुलपति, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान सोनीपत द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि नई खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और उद्यमिता किसानों की आय को दुगना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डॉक्टर पीसी शर्मा, निदेशक, ने संस्थान द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकों के बारे में विस्तार से बताते हुए संस्थान की उपलब्धियों का विवरण दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने संस्थान के एक शोध बुलेटिन और दो फोल्डर का विमोचन किया। डॉक्टर एमजे कालीडोंकर, परियोजना समन्वयक, और डॉक्टर एचएस जाट, प्रधान वैज्ञानिक, को मुख्य अतिथि एवं संस्थान के निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2019 के लिए संस्थान के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिनी एसटीएल किट आधारित मृदा और जल परीक्षण प्रशिक्षण। मिनी एसटीएल किट आधारित मृदा और जल परीक्षण पर दो प्रशिक्षण 16 मार्च से 18 मार्च और 22 मार्च से 24 मार्च तक आईसीआर सीएसएसआरआई करनाल द्वारा आयोजित किए गए, जिन्हें राज्य के कृषि और किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। पहला प्रशिक्षण हरियाणा के 19 संस्थानों के 21 सहायक और सहयोगी प्रोफेसरों को दिया गया तथा दूसरा हरियाणा के विभिन्न 15 शिक्षण संस्थानों के 28 विज्ञान शिक्षकों को दिया गया। मिनी एसटीएल किट का उपयोग करके मिट्टी और जल परीक्षण के कई पहलुओं से निपटने वाले प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं के अनुरूप यह पाठ्यक्रम संशोधित किया गया था। साथ ही प्रशिक्षुओं के ज्ञान को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने और उपयोग करने और मृदा और जल परीक्षण में उद्यमिता पर भी सत्र दिए गए थे। पूर्व प्रशिक्षण मूल्यांकन परीक्षण से प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन परीक्षा तक ज्ञान में औसत 30% वृद्धि पाई गई। कौशल भारत विकास प्रशिक्षण। मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला सहायक की नौकरी की भूमिका पर कौशल भारत विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सीएसएसआरआई और भारत सरकार द्वारा 25 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 तक किया गया। विज्ञान पृष्ठभूमि वाले 11 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 26 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कुल 20 विषय विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए एवं व्यवहारिक अनुभव साझा किए। भारतीय कृषि कौशल परिषद द्वारा नामित संसाधन व्यक्तियों द्वारा 22 मार्च को प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन भी किया गया। प्रशिक्षण पूर्व मूल्यांकन परीक्षा से प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन परीक्षा तक ज्ञान में 47.82% वृद्धि पाई गई। फसलों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा ने 18 जून को फसलों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान रिंडल गांव करनाल के विविध पृष्ठभूमि के 35 किसानों के एक समूह ने इस जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्हें परीक्षण के लिए प्रतिनिधि मिट्टी के नमूने लेने, उर्वरकों की संतुलित खुराक लागू करने, ड्रिप फर्टिगेशन और फसल उत्पादकता और मिट्टी के लचीलेपन में सुधार के लिए जैविक संसाधनों के अनुप्रयोग के बारे में ज्ञान प्रदान किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर पीसी शर्मा, निदेशक सीएसएसआरआई करनाल, ने
मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसलों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग और लागत और उत्पादकता प्रबंधन के महत्व के बारे में बताया। आईसीआर कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन। कोरोना काल में सीएसएसआरआई करनाल द्वारा इंटरनेट के माध्यम से 8 से 9 जून 2021 को आईसीआर कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के 2 दिनों में कुल 7 व्याख्यान दिए गए। पहला व्याख्यान डॉक्टर संदीप द्वारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर था। उसके बाद डॉक्टर सीमा द्वारा चिकित्सा परिप्रेक्ष्य से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर व्याख्यान दिया गया। इसके पश्चात प्रोफेसर अजय जैन, डॉक्टर के बी कंवल, डॉक्टर गजेंद्र यादव तथा डॉक्टर अनुज ने कोविड में उत्पन्न मानसिक तनाव से निपटने के बारे में विस्तृत चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संस्थान ने 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जिसमें स्वास्थ्य और योग विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान और बातचीत की एक श्रृंखला सम्मिलित थी। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय था योग के साथ घर में स्वास्थ्य। पहला व्याख्यान श्री सुदेश गोसाई ने दिया। उनके भाषण का विषय था योग, योगी से आम आदमी तक। दूसरा जागरूकता व्याख्यान डॉक्टर सी एल वर्मा ने दिया। उनके व्याख्यान का विषय सनातन और योग था। अपने संबोधन में निदेशक सीएसएसआरआई करनाल ने आधुनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शंकाओं के एकीकरण में मदद करता है, ताकि व्यक्ति स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज और राष्ट्र के भागीदार बन सके। मुख्य आगंतुक। 18 फरवरी को सीएसएसआरआई करनाल में आयोजित जिला किसान मेला में श्री निशांत कुमार यादव, डीसी करनाल। 22 मार्च विश्व जल दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर गुरबचन सिंह। 3 जनवरी को सीएसएसआरआई में फील्ड विजिट के दौरान डॉक्टर एस के चौधरी, डीडीजी, एनआरएम।